इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, और वही महती ज्योति ईसा मसीह के वंशावली में 31 और 32वां पीढ़ियां जोरोबाबिल से अबियूद और अबियूद से एलियाकिम उत्पन्न हुए। आज दिसंबर 18 तारीख यानी क्रिसमस की तैयारी का 18वां दिन। हेलो फ्रेंड्स, आप सब खुश है ना? आइए जल्दी हम वचन सुनेंगे। आज मनुष्य कहते हैं तो प्यंकड़ है, हर समय नशा करते हैं, पीते पीते रहते हैं। ये तो सच है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं या नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं। कोई कोई सोचते हैं यह नशा करने से एक नई स्फूर्ति मिलती है। ऐसे मेरे एक दोस्त ने कल बोल रहे थे, थोड़ा सिगरेट पीने से नए आइडिया मिलेगा और आप टॉक तैयार कर सकते हैं। तमाशा बोले फिर भी। तो कोई कोई सोचते हैं कि सिगरेट पीने से, दारू पीने से एक नए वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं, पूरे दुख हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं करेंगे। किसी को पूछते हैं तो बोलेंगे आई एम वेरी सैड, मैं बहुत एंग्री हूं, या कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, शिकायतें करते हैं। और वे कहते हैं इसलिए वो दारू पीते हैं, इसलिए वो नशा करते हैं, इसलिए वो बीड़ी पीते हैं। कोई कोई दोस्ती में कुछ क्यूरियोसिटी के कारण वे शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके कंट्रोल से परे हो जाते हैं। आज वो चाहते हैं उनसे छुटकारा मिले, लेकिन आज नहीं हो सकता। जब वो लोग उनको बोलते हैं तू पियंकड़ है, दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब बोलने से वे उनको छेड़ते हैं, तो बहुत गुस्सा हो जाता है। और पीने वालों का एक टैलेंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन गुस्सा या रोना, इन इसमें से कुछ ना कुछ होता है। और आज लोग, और कोई कोई मुझसे बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए पिया, या कोई खुशी होने पर भी पीता है, आनंद मनाने के लिए पीता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं धीरे धीरे उसके वश में वो भी पड़ जाते हैं। आज पियंकड़ लोग या नशा करने वाले लोग सोचने से भी नहीं कर सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, इसलिए कि नशा उनके रक्त में भी, खून में भी मिला हुआ है, इसलिए उसके कंट्रोल से परे हैं। लेकिन आज हमसे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं इसाईं नबी के ग्रंथ का अध्याय 43 वचन संख्या 1 में इस तरह वचन है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इसराइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु इसलिए नहीं डरो कहते हैं कि तुम और भी पी सकते हैं, नहीं, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, वही उद्धार प्रभु के द्वारा हो सकता है और प्रभु ही कर सकता है। स्तोत्र ग्रंथ का दूसरे एक वचन है, अध्याय 107 में वचन संख्या 20 में इस तरह लिखा है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनको उद्धार किया। कब्र क्या है? ये दारू में, सिगरेट में, गुटखा में जकड़े हुए जिंदगी, वही एक कब्र जैसा है जिससे बाहर नहीं निकल सकता है। आज करोड़ों करोड़ों लोग
दुख के कारण या आनंद के कारण, गुस्सा के कारण, निराश के कारण वो प्रियंकर बन गया है या नशा करने ड्रग अडिक्ट हो गया है, अडिक्शन, ये चीजों की अडिक्शन हो गया है। आज प्रभु आपसे कहते हैं, जो नशे करते हैं और इसके कारण दुखित है, दूसरे लोग बोलने के कारण दुखित है, निराश हो गया है, उनसे प्रभु का वचन है, नहीं डरो, मैं तुम्हारा उद्धार किया है। आज ये वचन से प्रभु आपको उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। वचन रूपी यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले, मेरे मुंह से प्रभु का वचन सुनने वाले, आपको आज प्रभु उद्धार करने आ रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका जिंदगी में ये जरूर होगा। विश्वास करो, विश्वास सब कुछ है। विश्वास नहीं है तो प्रभु कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपको, आपके लिए। प्रभु जिसको चुनता है, प्रभु उनके जीवन में जरूर आते हैं। आइए भाई और बहनों, आज हम 100 करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो आज ये पीने के जंजीर में जकड़े हुए हैं, दारू पीने के, नशा करने के जंजीर में जकड़े हुए हैं, खुद को बाहर आने नहीं सक रहे हैं, उस जंजीर से छुटकारा पाना नहीं सक रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आज इस वचन के द्वारा कार्य करे, उनके दिल को प्रभु तैयार करे और उनके दिल में प्रभु जन्म ले, और हमारे दिल में भी प्रभु जन्म ले, उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद।